सो हेलो एवरीवन, कमेंट आया था कि जो भी आप अपकमिंग अकाउंट ओपन प्लान कर रहे हैं खोलने के लिए, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाइएगा। कुछ प्लान्स हैं मेरे माइंड में, जो भी करंटली 3 अकाउंट को मैं प्लान कर रहा हूँ ओपन करने के लिए। जो उसके अंदर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि ऑलरेडी मैं 2 वीडियो में रेफरेंस भी दे चुका हूँ, तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पर मेरा रहेगा, जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट भी कर चुका हूँ और मुझे टेस्ट भी करना है, द फर्स्ट वन इज यस बैंक का ग्रैंडियोर अकाउंट। वो अकाउंट अपने आप में खास अकाउंट है और खास करके मेरे लिए बहुत खास अकाउंट है कि प्रीमियम कार्ड की जर्नी में एक अकाउंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। मेरे लिए रीज़न ये कि मुझे एक मेटल डेबिट कार्ड की नीड थी और ये अकाउंट के थ्रू इजिली मुझे मिलने का एक वे मिल जाएगा इस अकाउंट से, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, इसके अंदर बहुत सारे अच्छे बेनिफिट हैं। लाइक इसके अंदर जो मेन सबसे हाईलाइटेड बेनिफिट मुझे लगता है, जिस वजह से मैं ये कार्ड प्लान कर रहा हूँ, वो ले रहा हूँ कि उसके इस अकाउंट के साथ आपको मार्की क्रेडिट कार्ड मिलता है, प्री अप्रूव्ड हो जाता है। अगर आपके पास 24 लाख का ITR होना चाहिए, बट इस प्रोसेस से मैं मार्की क्रेडिट कार्ड बहुत इजी वे मुझे मिल जाएगा और मुझे इनकम क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करने की मुझे नीड नहीं होगी। तो ये सबसे एकदम बेस्ट तरीका होगा और इजी प्रोसेस होगा इस कार्ड को लेने का। अगर मैं ये बात करूँ कि मुझे मार्की कार्ड क्यों चाहिए, तो मार्की कार्ड अपने आप में खास कार्ड है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेन कार्ड ये है कि मार्की कार्ड अपने आप में एक प्रीमियम कार्ड है एंड टॉप एंड वेरियंट क्रेडिट कार्ड में से एक है। मार्की कार्ड में खास ये है कि जो लॉन्ज एक्सेस है 6 आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है मार्की के साथ, प्लस जो भी आप एड ऑन कार्ड लेते हैं उनके उनको भी लॉन्ज एक्सेस मिलता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अगर एड ऑन कार्ड होल्डर को भी आप ये जो लॉन्ज एक्सेस की फैसिलिटी है वो इस कार्ड के थ्रू मिल जाएगा। प्लस इंटरनेशनल इसके ऊपर अनलिमिटेड लॉन्ज एक्सेस अवेलेबल है और प्लस जो एड ऑन कार्ड होगा उनको भी मिलेगा। तो जो भी यूजर, जैसे मेरे पास एक पर्सन से काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही है, ही वेस्ट बंगाल के हैं, वो बहुत दिनों से प्लान कर रहे हैं कि मुझे इंटरनेशनल अनलिमिटेड लॉन्ज एक्सेस वाला कोई कार्ड बताइए। तो ये कार्ड अगर आपके पास होता है तो आप अनलिमिटेड आसानी से लॉन्ज एक्सेस कर पाएंगे बिना विदाउट एनी इशू। तो और इसके थ्रू स्पेंड बेस्ड जो बेनिफिट है मार्की कार्ड में वो भी बहुत ही अच्छा है। लाइक 36 आपको यस रिवॉर्ड मिलेंगे 200 के स्पेंड पे, अगर आप उस यस रिवॉर्ड को अगर आप CV पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हो, 4 यस रिवॉर्ड्स इक्वल्स टू 1 CV पॉइंट होता है। तो अगर 36 डिवाइड बाई 4 कर लेते हो आप, तो आपको करीब करीब 9 CV पॉइंट्स मिलेंगे ऑनलाइन स्पेंड पे, ऑनलाइन स्पेंड जो भी शॉपिंग स्पेंड करते हैं ऑनलाइन। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है ये कार्ड। प्लस ऑफलाइन स्पेंड पे आपको 18 यस रिवॉर्ड देता है, जिससे करीब 4 करीब करीब CV पॉइंट्स आपको मिल जाता है। तो ये भी मेरे लिए बेनिफिट है। तो जो भी CV पॉइंट्स में कन्वर्ट करके यस रिवॉर्ड को यूज़ करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी ये प्रोसेस बहुत अच्छा है कि मार्केट कार्ड अच्छा रिवॉर्ड रेट दे रहा है लाके। है कुछ टर्म एंड कंडीशन, वो डिटेल का भी फीचर में बात करेंगे, बट जब आएगा उसको टेस्ट भी करेंगे, प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। बट एज ऑफ नाउ ओवरव्यू तो काफ़ी अच्छा है इसका, तो वो टेस्ट करने के बाद ही इसकी रियलिटी पता चलेगी। तो आने दीजिए, फिर चेक करके फिर बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या रियलिटी है इसके अंदर। तो एज ऑफ नाउ मेरा प्लानिंग के हिसाब से ग्रैंडियोर अकाउंट है। ग्रैंडियोर अकाउंट का अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड आप नहीं भी लेते हो, तो नॉर्मल डेबिट कार्ड भी इसका अच्छा खासा पावरफुल है। लाइक आपको जैसे कि मार्केट में आपको मिलता है बाय वन गेट वन, ठीक है, अप टू 800 रुपीज़ तक, तो इसका डेबिट कार्ड से आपको मिल जाएगा बाय वन गेट वन अप टू 500 रुपीज़ तक। तो मार्केट में भी बाय वन गेट वन क्रेडिट कार्ड में है, तो आपका डेबिट जो ग्रैंडियोर डेबिट कार्ड है उसके अंदर भी आपको बाय वन गेट वन मिल जाएगा। प्लस जो ग्रैंडियोर अकाउंट में जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है उसके थ्रू आप तो लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं, प्लस गेस्ट को भी लॉन्च एक्सेस मिलेगा। तो ये भी अपने आप में बेनिफिट है कि गेस्ट अलाउ कर सकते जो डेबिट कार्ड आपको मिलेगा। ग्रैंडियोर अकाउंट की खासियत भी यही है कि आपको इनिशियल फंडिंग आपको 5 लाख लगेगा, बट लेटर ऑन आपको मेंटेन करने की नीड नहीं होगी। चांसेस रहेंगे डाउनग्रेड होने को, तो हर जगह रहते हैं, चाहे आप IDFC वेल्थ ले लो या फिर आप कोई भी अकाउंट ऐसा ले लो जहां पे अगर इनिशियल फंडिंग आपको देनी पड़ेगी तो मेंटेन अगर नहीं करते तो समटाइम में भी चांसेस है कि डाउनग्रेड करने के चांसेस रहते हैं, इवन HDFC में भी रहते हैं। तो वो तो कुछ नहीं कर सकते, बट एज ऑफ नाउ क्या है कि इसमें मेंटेन नहीं करने से आपको कोई चार्जेस या फाइन नहीं पे करना पड़ेगा, तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो इसलिए मैंने इस कार्ड मेरे लिए खास है, स्पेशल है, और मैं इस कार्ड को प्लान कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ मुझे मार्की कार्ड मिल रहे हैं। मेटल डेबिट कार्ड के लिए मुझे इजी रास्ता मुझे मिल जाएगा, आपको मैंने दिखाया भी कि कैसे मुझे अपग्रेड का ऑप्शन आ चुका है, तो मेटल डेबिट कार्ड भी मेरे को मिल जाएगा, प्लस प्रीमियम क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास खुद का आ जाएगा। ऐसे नहीं प्रीमियम कार्ड मेरे पास है बट प्रॉब्लम इज लाइक मेरा खुद के नाम पे नहीं, तो वो मुझे चाहिए था। सो सेकेंड है कि वो है AU बैंक का अकाउंट। वो है कि AU का जो अकाउंट मेरे पास करंटली है वो था प्लैटिनम सेविंग अकाउंट था, उसको मैंने डाउनग्रेड करके वैल्यू अकाउंट पे कर दिया बिकॉज कोई मच यूजफुल मुझे लगा नहीं क्योंकि डिवैल्यू हो गया था। फिर उसके बाद मैं उसको प्लान कर रहा हूँ कि इसको रॉयल अकाउंट पे अपग्रेड करूँ।
मैंने बहुत सारे बैंकिंग बैंकिंग फैसिलिटी मैंने यूज करे, बट जो मुझे एयू बैंक का फैसिलिटी मुझे लगा वो अपने आप में बेस्ट है। उसका दो बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो बैंकिंग एंड दस अनदर वन इज नो होम ब्रांच कॉन्सेप्ट इनका है। मतलब कि आप बिना बैंक गए आप नॉर्मल वीडियो कॉल पे आप बैंकिंग के सारी फैसिलिटी ले सकते हो, वो भी घर बैठे। और ये अपने आप में सबसे बेस्ट फैसिलिटी है कि आपने कॉल करना है और आपको सारे बैंकिंग रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटी, जो भी इशूज आ रहे हैं, अपग्रेड डाउनग्रेड करना है, अकाउंट डाउनग्रेड अपग्रेड करना है, नंबर चेंज करने, कोई भी बैंकिंग रिलेटेड इशूज है आप घर बैठे वीडियो कॉल पे फिक्स कर सकते हैं। तो ए यू बैंक का सबसे बेस्ट बेनिफिट है। दूसरा, क्योंकि नो होम ब्रांच कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी ब्रांच में जाके बैंकिंग फैसिलिटी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका जो ब्रांच है वहीं ब्रांच जाना जरूरी है, किसी भी ब्रांच में ए यू बैंक में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाके फैसिलिटी ले सकते हैं, आपको कोई भी इशूज नहीं आने वाले इसके अंदर। इस फैसिलिटी का मुझे खास करके सबसे ज्यादा नीड था, बिकॉज क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूं तो मुझे हर काम के लिए पर्टिकुलर होम ब्रांच को कनेक्ट करने की नीड नहीं रहेगी। मैं कहीं भी जिस जगह भी मुझे फैसिलिटी रहेगा मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। एक और बेनिफिट है कि जिस बैंक में आपका रहता है उसमें आप फ्रीक्वेंट कनेक्ट होते हो तो इम्प्लॉय के साथ आपका एक अच्छा खासा रिलेशन बॉन्ड हो जाता है, तो वहां के आरएम के साथ या बीएम के साथ, तो क्या होता है कि अगर कुछ डाउनग्रेड करना हो तो वो ना एक अच्छा रिलेशन हो जाता है, बात करने में बनती नहीं कि सर आप क्यों डाउनग्रेड करना चाहते हो, क्यों एक्सप्लेन करना है बहुत सारी चीजें, तो वो रिलेशन कुछ चीजें मना करने में नहीं बनता है बैंक। तो इस सिचुएशन में क्या है कि ठीक है अगर इस बैंक ब्रांच से कुछ ज्यादा क्लोज रिलेशन है तो हम कोई और ब्रांच में जाके सेम चीजें हम कर पाएंगे। जैसे मेरे साथ यही हुआ, यू बैंक में जिस ब्रांच में था उसके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था पर्सन से। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो मेरा डाउनग्रेड नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या करा, सर छोड़िए ना बाद में कभी करा लीजिएगा, मतलब ऐसा चीज हो रहा था, तो मैंने क्या किया वीडियो बैंकिंग में क्या फॉरन अकाउंट मैंने डाउनग्रेड कर दिया, तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो ये सब फैसिलिटी अगर आप चाहते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूँ जो यू बैंक देता है और कोई मतलब इस सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बूढ़े लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनके लिए ये बैंक बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि रॉयल अकाउंट में अपग्रेड करने का मेरा रीजन यही है कि इसके एक तो फैमिली बैंकिंग आ जाती है, सबका आपका यू बैंक में क्लब हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो बूढ़े लोग हैं वो बैंक नहीं जा सकते किसी भी काम के लिए, तो आप वीडियो बैंकिंग वगैरह फैसिलिटी तो कर ही सकते हो, प्लस अगर पैसे निकालने हैं, डिपॉजिट करना है, ये सारे फंक्शनलिटी घर बैठे फैसिलिटी दे रहा है ये यू बैंक। कैश पिकअप एंड ड्रॉप, यानी कि आपको कैश निकालना है या डालना है या डिपॉजिट करना है, ये दोनों फैसिलिटी आपको इसके रॉयल अकाउंट के साथ मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी एजेड लोग हैं जो बैंक विजिट नहीं करना चाहते और उनको चाहते हैं कि घर बैठे उनको पैसा उनके घर पे डिलीवर्ड हो जाए, तो ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। तो मुझे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड चाहिए और मैंने नोटिस किया कि मेरे पास प्री अप्रूव्ड आ रहे हैं क्रेडिट कार्ड, बट मैंने अभी क्या किया, रॉयल अकाउंट मैंने जो भी एयू के अकाउंट है मैंने सारे बंद करा दिए। जिस दिन मैं क्लोज करने गया सेम टाइम मेरे पास प्री अप्रूव्ड आ गए थे, मुझे ये नहीं पता कैसे, बट आई डोंट नो कैसे क्या हुआ नहीं हुआ प्री अप्रूव्ड आ गए, बट मुझे लगा कि कहीं डिक्लाइन ना हो जाए और मुझे जो चाहिए वो कार्ड एक ही रख सकते हैं यू बैंक में, तो मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे प्रीमियम कार्ड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा अभी, वापस मुझे दिल्ली जाना है और वापस जाके मुझे रॉयल अकाउंट फ्रेश ओपन करूंगा मैं इस बार। तो रॉयल अकाउंट मेरे लिए इस मेन था कि जैसे इसमें 1% जो कैशबैक मिलता था, अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करते थे इस कार्ड से पहले तो आपको इसके साथ कैशबैक मिल जाता था, तो बट अब वो बंद कर दिया उन्होंने 1 अप्रैल से, बट इंस्टेड अभी इसमें माइलस्टोन बेनिफिट अवेलेबल है रॉयल अकाउंट में। तो मैंने कुछ ओवरऑल अच्छे बेनिफिट बताए, तो ये मेरा सेकेंड प्लान है कि एयू रॉयल अकाउंट भी मुझे ओपन कराना है जाते ही। नाउ द थर्ड वन वो करा हुआ है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड इसका जो अकाउंट है वो है मैक्सिमा सेविंग अकाउंट। एक्चुअली ये अकाउंट बहुत ही ज़्यादा हाई अकाउंट नहीं है या बहुत ज़्यादा यू नो लाइफस्टाइल बेनिफिट नहीं देता ये अकाउंट, बट इस अकाउंट में कोई बहुत ज़्यादा यू नो आउट ऑफ द बॉक्स या बहुत ज़्यादा यूनिक फैसिलिटी नहीं है, ये नॉर्मल बैंकिंग की तरह ही है। इसमें भी आपको 1 लाख मेंटेन करके चलना पड़ता है, बट इसके साथ आपको सेलेक्ट डेबिट कार्ड मिलता है विथ वेलनेस प्रोग्राम के साथ। राइट नाउ बहुत सारे लोग बैंक दे रहे हैं सेलेक्ट डेबिट कार्ड, बट वो वेलनेस प्रोग्राम के साथ नहीं दे रहा, बट ये वेलनेस प्रोग्राम के साथ आ रहा है। दूसरी चीजें इसमें भी आपको एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस वगैरह तो मिलेगा 2 per quarter। इसके अंदर भी हाई एटीएम विड्रॉल मिलेंगे लाइक 5 लाख POS, 2.5 लाख एटीएम विड्रॉल, अनलिमिटेड आप कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांच में, अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसका जो मेन मुझे खास लगता है इसका लगता है एफडी रेट्स, एफडी रेट इसके काफी अच्छे हैं। अगर मान लीजिए इसके दो टाइप के एफडी आते हैं, इन्होंने स्पेशल एफडी भी इन्होंने ऑप्शन कर रखा हुआ है। अगर मैं नॉर्मल एफडी रेट्स की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं स्क्रीन पे देखो, और प्लस ओवरऑल बेनिफिट भी मुझे इस अकाउंट के अच्छे लगे। जैसे नॉर्मल इस रेंज के अकाउंट में होते हैं लाइक अनलिमिटेड एटीएम विड्रॉल, लॉन्ज एक्सेस, अच्छा डेबिट कार्ड, कोई चार्जेस नहीं है अकाउंट में, तो ये सारे जो हर बैंक में अवेलेबल है तो इसमें भी अवेलेबल है।
प्लस एज सच ये मैं बहुत ज़्यादा मैंने बोला भी पहले कि इसके ऊपर कोई लाइफस्टाइल बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप लाइफस्टाइल बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं तो आप यस बैंक का जो मैंने ग्रैंडियोर अकाउंट बताया उसके लिए जाइए, तो वो अकाउंट को कंसिडर कीजिएगा। उसके बाद अगर नहीं होता है तो रॉयल अकाउंट को कंसिडर कीजिएगा यू। बट ये अकाउंट मेनली कंसिडर्ड फॉर अ लिक्विड मनी को पार्क करने के लिए। अगर आप लिक्विड मनी पार्क करना चाहते हैं तो दिस इज द गुड अकाउंट। तो ओवरऑल ये कुछ था इस वीडियो में। अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन करिए वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।